Hello students, this is Kamran Seyal, your chemistry teacher and you are watching GS Academy YouTube channel. प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया और बहुत सारी चीज़ों के लेके हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पढ़ लिया है आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर सेवन का जो है आई थिंक फिफ्थ लेक्चर हमारा है ठीक है और जो फिफ्थ लेक्चर हमारा आज का है वो है फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करने हैं पूरे लेक्चर में कि एक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर जो ग्रुप होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है उनकी क्या वैल्यू होती है उसी चीज़ को लेके हमने आज का पूरा लेक्चर जो है वो पढ़ना है आपके सामने मैं टॉपिक लिख दिया है फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होते क्या है? हम इनको डिफाइन करेंगे फिर हम उन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर एक खास किस्म के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं उस फंक्शनल ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं उनकी क्या क्या खसूसियत होती हैं क्या क्या नेचर होती हैं आज के लेक्चर में हम वो भी जानेंगे बच्चों हम मैं इसकी जो है डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे फंक्शनल ग्रुप को जब मैं डिफाइन करूंगा तो हम कहेंगे ये एक एटम एटमों का मजमूमा उसमें सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं और उन बॉन्ड्स का प्रेजेंट होना एक खास किस्म की नेचर शो करता है एक खास किस्म की प्रॉपर्टीज को शो करता है क्या मैंने कहा मैंने कहा एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स और सिंगल डबल और ट्रिपल बोंड्स ट्रिपल बोंड्स प्रेजेंट इन देम imports specific properties to an organic compounds बच्चे ये बात मैंने क्या की मैंने कहा हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप किसी एटम एटमों का मजमू उसके अंदर सिंगल डबल या फिर ट्रिपल वार्ड जो प्रेजेंट होते हैं उन वो क्या काम करते हैं वो इम्पार्ट्स करते हैं वो देते हैं क्या चीज़ देते हैं वो एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज देते हैं किसको देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देते हैं इसका क्या मतलब हुआ मतलब कि आपके पास अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर कैसी होगी वो उसके अंदर उसमें मौजूद कोई बॉन्ड बताएगा वो बॉन्ड क्या बताएगा अगर उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो वो ये प्रॉपर्टी कौन सी शो करेगा वो शो करेगा कि इसके अंदर वो प्रॉपर्टी मौजूद है जो किसी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं मेरे पास ना मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स हैं जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है मीन कि उन इसका यह मतलब होगा इसका मतलब ये होगा कि उनकी सारों की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है से बॉन्ड की बेस पे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी ट्रिपल वाले बॉन्ड हैं तो उनकी भी प्रॉपर्टी क्या होगी वो सारों की बॉन्ड की प्रॉपर्टी जो है वो सेम सेम होगी अच्छा हम लोगों ने कहा कि एन ऐटम एक ऐटम और ग्रुप ऑफ एटम्स या एटमों का मजमू और सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन देम किसके अंदर इन एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर क्या चीजें सिंगल बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड इनके अंदर अगर प्रेजेंट हूँ तो ये बच्चों बॉन्ड क्या काम करते हैं ये इम्पोर्ट्स करते हैं ये देते हैं क्या चीज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देते हैं किसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इट मीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते किसके हैं एटम या एटम मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं ठीक है और इसके अंदर ये जो बॉन्ड हैं वो खास किस्म की प्रॉपर्टीज जो है वो वो जो है वो शो करते हैं अच्छा ये थी हमारी डेफिनेशन इसको हमने समझ लिया अब जो बातें मैंने आपसे की हैं उसके लिए मैं ना एक एग्जाम्पल के साथ कह लें या एक मैं इसको टेबल भी बना कर दूंगा ये चीज़ें हम उसमें भी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल को समझते हैं एग्जाम्पल को यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा मैं ना सबसे पहले सिंगल बॉन्ड को समझते हैं हम लोगों ना जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन आइटम से मिलकर बनते हैं सो हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन का जिक्र करेंगे अच्छा ये मेरे पास पहला जो बच्चों बॉन्ड है बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है ये आपके पास कार्बन है और ये भी आपके पास कार्बन है ठीक है इसके अंदर जो बॉन्ड है आप जानते हैं आपके पास सिंगल बॉन्ड है और ये आपके पास जो है ये फर्दर जो है थ्री हाइड्रोजन आइटम के साथ अटैच होगा इस तरह ये भी थ्री हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा ठीक है इस तरह ये भी जो है थ्री हाइड्रोजन आइटम के साथ अटैच होगा इट मीन कि आपके पास बन गया सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री दूसरी बात चूंकि मैं सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ आप यूँ भी कह सकते हैं ये कार्बन है ये भी इसके अंदर में इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है ये भी सिंगल बॉन्ड है ये भी सिंगल बॉन्ड है और इसमें ये भी क्या है सिंगल बॉन्ड है ठीक है मेन के आपने ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इन दोनों कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो आपस में रिजम्बल होंगी आपस में मिलती जुलती होंगी मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि इन बॉन्ड की बेस पे जो है कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी एक खास किस्म की नेचर होती है इसकी और इसकी कोई और भी कंपाउंड ले लें ले जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इन सब की प्रॉपर्टी क्या होंगी आपस में मिलती जुलती होंगी अगर हम डबल बॉन्ड के बारे में बात कर लें तो डबल बॉन्ड मेरे पास है ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ठीक है हाँ ये इस कंपाउंड को आप लोग जानते हैं कि ये आपके पास अलकेन है क्या चीज़ है अलकेन है अलकेन का कोई भी मंबर हो सकता है ये आपके पास मिथेन है क्या चीज़ है मीथेन और इसको आप बोलते हैं इथेन मिथेन को अगर आपके पास एक ही कार्बन है आप उसको बोलते हैं मिथेन आपके पास दो कार्बन है तो इथेन है तीन कार्बन है तो प्रोपेन है ऐसे ही है आपके पास ये इथेन है ये आपके पास प्रोपेन है अगर मैं एक और कार्बन ऐड करता हूँ तो उसके साथ उस सारे कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा अगर चार कार्बन होंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेओटेन हो जाएगा अच्छा भाई हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड की बेस पे अगर मैं बात करूँ डबल बॉन्ड की बेस पे आप लोग जानते हैं इसमें क्या कौन से कितने कार्बन होते हैं टू कार्बन यहाँ पे होते हैं और टू कार्बन जो हैं वो यहाँ पे होते हैं अगर मैं यूं करूँ मैं कार्बन की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा दूं मैं यूं करूँ कार्बन की क्या करूँ स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं यहां पर मैंने जो है कार्बन लिखे हैं आपके सामने ये मेरे पास एक कंपाउंड है इस कंपाउंड को मैं क्या नाम दूंगा ये देखें मैंने कहा इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है यहाँ पे भी क्या है डबल बॉन्ड है और ये इसको आप बोलते हैं इथेन डबल बॉन्ड है इसको आप क्या बोलते हैं तीन कार्बन तो क्या बोलेंगे प्रोपेन बच्चे सॉरी बच्चे यहाँ पे ना आप लोग इसको प्रोपेन नहीं कहेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है तो ये आपके पास इथिन बन गया है और ये आपके पास प्रोपीन बन गया है सिंगल बॉन्ड को आप ए एन ईड पर लिखते हैं और डबल बॉन्ड को आप ई एन एड पर लिखते हैं तो यहाँ आपके पास ये इथिन है और यह आपके पास प्रोपीन है क्योंकि इसमें डबल दो कार्बन है और इसमें तीन कार्बन है और दोनों में डबल बॉन्ड है तो इन की आवाज आएगी ना इनके अल्कि बनता है ना डबल बॉन्ड से तो यूं आपके पास जो है आपके पास इथिन बनेगा और ये आपके पास क्या बनेगा प्रोपीन बनेगा इस तरह आपके पास चार कार्बन हो जिसमें डबल बॉन्ड हो तो उसका आप बोलते हैं ब्यूटीन बोलते हैं बात क्लियर हुई ठीक है यूं मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं एंड डबल बॉन्ड की बेस पे दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है सेम होती है मीन के बॉन्ड एक्चुअली काम क्या करते हैं बॉन्ड एक्चुअली काम ये करते हैं वो खास किस्म की प्रॉपर्टीज शो करते हैं कंपाउंड्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ को जो है एम्पोर्ट करते हैं एम्पॉर्ट का मतलब होता है देना एक खास किस्म की प्रॉपर्टी देते हैं ठीक है इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं अगर ये तो आपके पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बारे में बात हुई है अगर मैं बच्चों ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो क्या होगा आप लोग जानते हैं होप्सो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड हैं थ्री बॉन्ड है तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच होगा ठीक है आपके पास ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा इथाइन क्या बनेगा इथाइन बनेगा एग्जैक्टली क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है सही है तो मैं ऐसा कंपाउंड और लेता हूँ जिसमें ट्रिपल बाउंड हो वो भी आपके पास उसकी और इसकी दोनों की प्रॉपर्टी या नेचर कह लें वो क्या हो जाएगी आपस में रिजम्बल होगी आपस में सेम होगी तो आप कह सकते हैं कि बॉन्ड की बुनियाद पे जो है किसी कंपाउंड को गैस कर सकते हैं कि इसकी नेचर ऐसी होती है बच्चों इसी टॉपिक को लेके ना एक टेबल में आपको ड्रा करके दिखाता हूँ उस टेबल में सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि कौन सा जो है कंपाउंड कैसी कैसी प्रॉपर्टी शो कर सकता है या हम कंपाउंड को नेमिंग कैसे कहते हैं उसकी जनरल फार्मूला कैसे लिखते हैं इन सारी चीज़ों को हम लोग टेबल ड्रा करने की मदद से समझेंगे ठीक है देखते रहिएगा मैं यहाँ पर ना एक टेबल ड्रा करने लगाऊँ वो ज़रा तो देखिएगा जी बच्चों वेलकम बैक हम लोग फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बात कर रहे थे हम लोगों ने कहा आटम्स होते हैं आइटमों का मजमू होता है उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं बॉन्ड का मतलब है कि उसके अंदर सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं हम उस बॉन्ड का से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास ये कंपाउंड किस नेचर का है हम लोगों ने इथेन को स्टडी किया हम लोगों ने कहा इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है इस तरह आपके पास इथेन के अलावा कंपाउंड है कोई मिथेन के अलावा कंपाउंड है इथेन हो सकता है प्रोपेन हो सकता है ब्योटेन पेंटेन एंड मैनी अदर कंपाउंड विच हैविंग सिंगल बॉन्ड एंड दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ओके एंड वी कैन जज फ्रॉम द सिंगल कंपाउंड वट टाइप ऑफ द अदर कंपाउंड एक कंपाउंड को जब स्टडी करेंगे उसके अंदर सिंगल बाउंड होगा तो बाकी कंपाउंड्स का भी इस हिसाब से हम लोग जो है वो उसकी केमिकल नेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं सेम अगर बात करें हम लोग डबल बाउंड की इस तरह आपके पास ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं जिसमें डबल बॉन्ड है एक कंपाउंड को स्टडी करके बाकी कंपाउंड के नेचर का अंदाजा लगा सकते हैं एंड दिस इज़ आल्सो स्नैरियो फॉर द ट्रिपल बॉन्ड ओके अच्छा इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके सामने एक कंपाउंड रखा है जो है अल्कोहल अल्कोहल आप लोग जानते हैं अगर हम लोग मैं इसको डिफाइन करूँगा कि अल्कोहल होता क्या है तो बच्चों अल्कोहल मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्सल आइटम एज आ फंक्शनल ग्रुप होता है हाँ हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या होता है एज आ फंक्शनल ग्रुप होता है द कंपाउंड इन विच ओ एच ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इज कार्ड अल्कोहल क्या मैंने कहा एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ओ एच ऐसा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग उसको अल्कोहल बोलते हैं मेरे पास अल्कोहल नेम मैंने लिखा है उसका जो फंक्शनल uh, ग्रुप है वो आपके पास होता है ओ OH एच होता है अगर इसको मैं जनरल ग्रुप का नाम दूँ तो ओ OH एच के साथ मैंने आर लगा दिया आर क्या है एक जनरल ग्रुप मैंने लगाया है और आर की जगह पर मैं कोई कंपाउंड लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं इथेन को ऐड ऐड कर सकता हूँ सॉरी इथाइल ग्रुप को ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप को ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे मैं कोई प्रोपाइल ग्रुप को ऐड कर सकता हूँ ऐड करने से इसका नेम चेंज हो जाएगा लाइक like अगर मैंने इसको सी एच थ्री इट मीन कि मैंने यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच किया है तो कंपाउंड बन जाता है मिथाइल अल्कोहल अगर मैं यहाँ पर मिथाइल की जगह पर यहाँ पर मैं अगर इसको सी एच थ्री सी एच टू ओ एच मैं अगर ये ये ऐड करता हूं इथाइल ग्रुप को तो आपके पास कंपाउंड बन जाएगा इथाइल अल्कोहल मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि आप जनरल ग्रुप की जगह पे आप कंपाउंड को चेंज करते जाएंगे तो कंपाउंड का नेम चेंज होता जाएगा अगर मैं अल्कोहल की जगह पे अगर मैं यहां पे एक कंपाउंड लिखता हूं वो है ईथर ईथर क्या होता है ईथर ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें ऑक्सीजन आइटम फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करता है ऐसा ग्रुप होता है ऐसा कंपाउंड होता है इथर जिसमें ऑक्सीजन आइटम अकेला ऑक्सीजन आइटम मौजूद हो और उसके साइडों पे सेम टाइप और डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच हो क्या मतलब हुआ मतलब यह हुआ ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन आइटम जो होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करे हम उसे कहेंगे ये मेरे पास क्या है या इथर है ये देखिए ये मेरे पास ऑक्सीजन मैंने कहा एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो ऑक्सीजन की जगह मैंने इसके साथ में दो बॉन्ड लगा दिए हैं और में मैंने ऑक्सीजन आइटम डाल दिया है अगर मैं इसको जनरल ग्रुप में लिखूँ तो ये मेरे पास आर बॉन्ड आर बॉन्ड आर प्राइम ये जो मैंने डैश लिखा है इसको प्राइम भी बोल लेते हैं डैश भी बोल सकते हैं ये मैंने ना आर ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने आर के साथ एक के साथ जो है वो डैश लिख दिया है अच्छा ये मैंने आप लोग जानते हैं पहले आप मैंने आपको कहा कि आप आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं आर की जगह पे आप मिथाइल लिख सकते हैं आप लोग सी एच टू सी एच थ्री आप लोग ये वाला ग्रुप अटैच करवा सकते हैं आप लोग जो है इथेन प्रोपेन ब्योटेन इथेन से इथाइल बन जाएगा प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाएगा ब्योटेन से ब्योटल बन जाएगा इस तरह आप कोई भी कंपाउंड उठा के आर की जगह पर अटैच करवा सकते हैं अगर मैं यहाँ पे ऐड करवाऊँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास भाई ये है सी एच थ्री ओ सी एच थ्री मेरे पास जहां पे मैंने आर लिखा है वहां पे मैंने मिथाइल ग्रुप को अटैच करवा दिया है आर की जगह पे मैंने मिथाल मैंने लिखा यहां पे भी आर की जगह पे मैंने दो मिथाल लगा दी क्योंकि दो आर है ना तो मैंने दो आर की जगह पे दो मिथाल लिख दी है आपके पास डाई मिथाइल इथर बन जाएगा क्या बन जाएगा दो मिथाइल हैं डाई मिथाइल ऑक्सीजन एटम है तो इथर बन जाएगा डाई मिथाइल इथर यह कंपाउंड का नेम बन जाएगा अगर मैं किसी और कंपाउंड के बारे में बात करूं, फॉर तो एग्जाम्पल मेरे पास कंपाउंड है एल डी हाइड कंपाउंड है एल्डिहाइड कंपाउंड आप लोग जानते हैं जनरल फार्मूला क्या होता है एल का सी डबल बॉन्ड ओ एच एक साइड पे H होता है अगर मैं इसकी बात करूं मेरे पास ये कौन सा कंपाउंड है तो मेरे पास ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये वाला ग्रुप मौजूद हो उसको हम लोग बोलेंगे ये मेरे पास एल है क्योंकि इसमें एल क्योंकि ये वाला ग्रुप इसमें एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है ना अगर मैं अब मैंने करना क्या है जहाँ पे मैंने ये बॉन्ड लगाया यहाँ पे मैं कोई ग्रुप लगा रहता हूँ जनरल ग्रुप में लगा रहा हूँ आर ये डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे जो है एच मौजूद है इस कंपाउंड को आप जो है जनरल फार्मूला ऑफ एल डी बोल सकते हैं जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल बोल सकते हैं जनरल फार्मूला ऑफ इथर इसको आप बोल सकते हैं जहां पे मैंने आर लगाया है सेम आप यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप को लगा सकते हैं ठीक है सी डबल ओ एच इसको आप लोग क्या बोलते हैं इसको आप बोलते हैं एल्डीहाइड है, है मिथाइल ग्रुप है इसको आप जो है वो फॉर बोल सकते हैं सॉरी आप इसको एसिड एल्डीहाइड बोलेंगे बात समझ आ गई है अगर अब मैं बात करूं किसी और ग्रुप को तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार्बोक्सलिक एसिड है या उसको आप दूसरा बोल बोल सकते हैं आप इसको एस एसिड बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड है कौन सा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका मैं यहां पर जो है जनरल फार्मूला लिखूंगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ ये मेरे पास ग्रुप मौजूद होगा तो मैं कहूंगा ये मेरे पास कौन सा कंपाउंड है ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इस जगह पे मैं R लिखूंगा सेम बात है जैसे पहले कर रहे हैं यहाँ पे ओ OH एच है डिफरेंस सिर्फ ये है यहाँ पे एच है यहाँ पे ओ OH एच है एच आ जाएगा तो हम कहेंगे ये मेरे पास एल डी हाइड है ओ एच आ जाएगा मैं कहूँगी ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है आर की जगह पर कोई भी ग्रुप लगा लें सी एच थ्री लगा लेते हैं ठीक है और ये मेरे पास ओ OH एच है ये मेरे पास क्या बन जाएगा ये मेरे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ठीक है यूँ आपके सामने मैंने एक टेबल से आपको समझाना चाहा कि आपके पास जो है फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ें होती हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये आपके पास जनरल ग्रुप हैं इनके लगाने से जो है कंपाउंड का नाम चेंज हो जाता है यहाँ पे सबके साथ मैंने सी आई थ्री लिखा है आप जो है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी लगा ले उसके में जो नेम है उसका जो है वो ग्रुप का जो है वो चेंज हो जाएगा बच्चों आज का लेक्चर था फंक्शनल ग्रुप के हवाले से ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा थैंक यू सो मच